नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कमोडिटी मार्केट में कल हमने सोने चांदी में काफी बड़ा उतार चढ़ाव आते हुए देखा। इनिशियली हमने देखा दिन के सेशन में मार्केट सोचता, बट एकाएक हमने बिकवाली बढ़ते हुए देखी और सोने और चांदी में बड़ी बिकवाली थी। बट लेटर इन द डे हमने फिर से प्राइजेस में रिकवरी आती हुई देखी। अगर सोने चांदी का मूव देखना है तो आप एमसीएक्स के बुलडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं। कल के सेशन में हमने देखा एमसीएक्स के बुलडेक्स में पहले तो गिरावट आई, जो 15,880-850 का भी लेवल ब्रीच करता हुआ देखा, बट वहां से हमने आधे परसेंट की तेजी के साथ प्राइजेस को 16,100 के करीब क्लोज होते हुए देखा। तेजी हमने देखा कि जिस ढंग से ग्लोबल इक्विटी मार्केट में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी, डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ा बहुत अपसाइड से लिमिटेड हुआ और साथ में यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशन बढ़ा है, चाहे हम यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें या कोविड की बात करें, ये सबको देखते हुए हमने सोने चांदी में लोअर लेवल से सपोर्ट बनते हुए देखा। बट अभी भी मार्केट थोड़ा कंसर्न है बिकॉज डॉलर इंडेक्स अभी भी 9,350 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस वक्त भी। साथ में ईसीबी की जो मॉनेटरी पॉलिसी की अपडेट आनी है थर्सडे को, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ब्रेक्जिट को भी लेकर कंसर्न है, तो आई थिंक काफी इवेंटफुल रहेगा। बट मार्केट अभी भी इंटरनेशनल में 1920 से लेकर 1970 का जो दायरा, इसी दायरे में ट्रेड कर रहा है। आज की अगर ट्रेड सेटअप की बात करें तो सबसे पहले सोने और चांदी में आज इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए गिरावट दिखाई दे रही, क्योंकि वीक्स इंडेक्स में जो बढ़ोतरी आई है उसके बावजूद हम देखें तो सोने चांदी में गिरावट है, जो कहीं ना कहीं कंसर्न दिखा रहा है। तो 1920 का सपोर्ट है जो डोमेस्टिक मार्केट में हमें लगता है कि प्राइजेस की ओपनिंग गैप डाउन होगी और करीबन 51,100 का लेवल तोड़ने पे 50,850 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं चांदी की बात करें, कल शॉर्ट कवरिंग बहुत सीवियर थी मार्केट में, हमने प्राइजेस को फिर से अपसाइड मूव करते हुए देखा, लेकिन 69,000 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं होता है, पॉसिबिलिटी है फिर से हम 67,500 से लेकर 66,500 तक के भी लेवल हम चांदी पे देख पाए। बट ध्यान रखिए 50,500 और 65,000, ये दोनों लेवल अगर तोड़ के चांदी होल्ड कर जाती है तो बड़ी बिकवाली के लिए तैयारी रहेगी। क्रूड में जिस ढंग से हमने बताया वैसे ही मार्केट में ब्रेक डाउन चल रहा है। अब नेक्स्ट टारगेट है $34 का, जो कहीं ना कहीं 2,425 से 2,500 का रेंज हम डोमेस्टिक मार्केट में देख पाएंगे। नेचुरल गैस काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे थी कल, एक बार तो ऐसा लग रहा था कि 190 का लेवल तोड़ के 195-196 का लेवल दिखा देगी, पर जिस ढंग से रिजेक्शन आया है ये कहीं ना कहीं संकेत है बड़ी बिकवाली का, जो 178 का लेवल तोड़ने पे 172 तक का भी लेवल दिखा देगा। वहीं पूरे बेस मेटल में भी कल बिकवाली हावी रही, जिस ढंग से हमने देखा चाइना का जो इम्पोर्ट का डेटा है वो थोड़ा सा खराब आया, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव है। वहीं जिंक में भी हमने देखा जो स्टिमुलस यूएस से आना है वो कोई कॉन्फिडेंट नहीं दिखा रहा है, जिसके चलते हमने मार्केट में गिरावट आते हुए देखी। एलएमई पे भी आज साइडवे टू नेगेटिव प्राइस मूवमेंट है, इंटरनेशनल में भी गिरावट का रुझान है, डॉलर इंडेक्स में तेजी है, जिसके चलते आज सोने चांदी में गिरावट रहेगी, क्रूड में गिरावट रहेगी, नेचुरल गैस में गिरावट रहेगी। डेटा पॉइंट की बात करें तो चाइना से सीपीआई और पीपीआई के आंकड़े थोड़े से खराब ही आए हैं, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आए, जिसके चलते बेस मेटल में दबाव रहेगी। यूएस से जॉब ओपनिंग का डेटा और साथ में 10 ईयर्स बॉन्ड ऑप्शन का डेटा रह रहा है। वहीं चार्टिकली बुलियन डेस्क में 16,100 के नीचे ट्रेंड वीक है, जो 15,900 तक का लेवल दिखा देगा। कॉपर फिर से डाउनवर्ड चैनल्स में एंटर कर रहा है इचिमिको क्लाउड के अंदर, जो डाउनसाइड में वापस हमें लगता है कि अगर 524 के नीचे रहता है तो हम 520 से 518 तक का लेवल देख पाएंगे। क्रूड में अभी भी गिरावट है जो 2,620 तक का लेवल दिखा सकता है। चांदी में भी गिरावट रहेगी, जो 69,000 के नीचे ट्रेड करने से 65,500 तक का भी लेवल देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर बिल्कुल कीजिए। धन्यवाद।